Assalamualaikum everyone, welcome to Rizvi Kitchen. कैसे हैं आप सब? This is me Farheen and today I'm going to share one of the famous street food recipe. Yes, that is egg keema. सूरत में ये बहुत ही famous है, जिसे एग घोटाला या अंडे का कीमा भी बोलते हैं. As you can see, ये देखने में बहुत ही amazing and yummy लग रहा है and believe me, खाने में उतना ही delicious है. और इसे बनाना भी बहुत ही simple है. But before that, don't forget to like, share and subscribe my channel. You can also follow me on Facebook and Instagram. Links are given in description box. So, let's get started. सबसे पहले एक कढ़ाई में मैंने लिया है ऑयल, तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून. और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 ग्रीन चिलीज, सौते फॉर अ वाइल. एंड साथ ही ऐड किया मैंने 1/2 टी स्पून ज़ीरा, बे लीफ, लौंग, सिनेमन स्टिक एंड बड़ी इलायची. थोड़ा सा इसको एक अच्छा फ्लेवर आएगा इन खड़े मसालों से. सौते करेंगे इन्हें. एंड आफ्टर दैट ऐड कर रही हूँ मैं इसमें 3 मीडियम साइज्ड अनियन का पेस्ट. यस, आप चाहें तो अनियन चॉप करके भी डाल सकते हैं, फाइनली चॉप्ड. दोनों तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं. इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे सो दैट ऑयल में अनियन अच्छे से भुन जाए. सूरत में बहुत ही फेमस है ये एग कीमा. ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट. और बेस्ट पार्ट, आप इसे ब्रेड के साथ, पाव के साथ या इवन चपातीस के साथ सर्व कर सकते हैं. सो देखें, ये अच्छे से कुक हो गया है, थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर आ गया है. और अब हम इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज्ड टोमेटोज. और इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे. और इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे कुछ ड्राई मसाले, जिसमें है 1.5 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, सॉल्ट है, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून है इसमें कश्मीरी रेड चिली, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर एंड 1/4 टीस्पून हल्दी. तो इन्हें भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे. देखिए, मसाले डेफिनेटली डिपेंड करते हैं आप कितना क्वांटिटी में बना रहे हो. ये जो मैं बना रही हूँ, मैं 8 मैंने बॉयल्ड एग किए हैं उनकी मैं ये एग कीमा बना रही हूँ. सो जो 4 to 5 सर्विंग्स के लिए सफिशेंट है. सो देखिए, अच्छे से मिक्स करके अब हम इसे थोड़ा सा कुक करेंगे 5 to 6 मिनट लो फ्लेम पे. वाओ, सी, बिल्कुल नॉन वेज में जब हम बनाते हैं वो ब्राउन ग्रेवी, थोड़ा सा चिकन या मटन में, सेम वैसे ही है और वैसे ही फ्लेवर आपको आएगा. तो देखें, अच्छे से मिक्स हो गया है, टोमेटोज भी मैशी हो गए हैं, गल गए हैं. थोड़ा सा हम और मिक्स कर लेंगे. एंड नाउ ऐड करेंगे इसमें बॉयल्ड एग जो मैंने ग्रेट कर ली है. सो ग्रेट करके डालेंगे तो अच्छा है, अदरवाइज आप छोटे छोटे पीसेस करके भी ऐड कर सकते हैं. सो 8 मैंने एग्स बॉयल करके ग्रेट कर लिए हैं. और अचानक होता है, गेस्ट आ गए सडनली, नहीं समझ आ रहा क्या बनाए, अदरवाइज फिर दाल, सब्जी, इवन बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना वेजिटेरियन में स्पेशली, या जो एग खाते हैं, लाइक नॉन वेजिटेरियन नहीं है बट एग खाते हैं, तो वहाँ पे ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है. जस्ट आप आई थिंक 8 to 10 मिनट्स में आप ये ग्रेवी वाला चिकन कीमा आराम से रेडी कर सकते हैं. सो देखिए, अच्छे से मिक्स कर लेंगे. और खाने में ये बहुत ही यमी है, बहुत ही ज़्यादा. सो अच्छे से मिक्स हो गया है. थोड़ा सा हम इसमें अभी पानी ऐड करेंगे सो दैट थोड़ी सी जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो अच्छे से बैलेंस्ड हो जाए. इसे एक घोटाला भी बोलते हैं क्योंकि बिल्कुल ये मसाले में जाके बिल्कुल घुट जाता है. 1/2 कप मैंने पानी ऐड किया है एंड थोड़ा सा और मिक्स करके जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे लो फ्लेम पर कवर करके कुक कर लेंगे. और कोई स्पेशल थिंग नहीं डाली, कोई स्पेशल मसाले नहीं ऐड किए हमने, जस्ट नॉर्मल से जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं. सो देखिए, ये अच्छे से कुक हो चुका है. थोड़ी सी मैं ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी, क्योंकि मुझे पर्सनली कसूरी मेथी बहुत पसंद है, आप चाहें तो ना डालें. एंड कोरिएंडर लीव्स.
सो हियर हमारी क्विक सी एंड सिंपल सी एग कीमा या अंडे का कीमा की रेसिपी रेडी है। सर्व करें विद ब्रेड, पाव, चपाती, इवन मुझे तो राइस के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। एंड ऑप्शंस हैं, आप इसे ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, किसी भी टाइम पे खा सकते हैं, दैट्स अप टू यू। कोई स्पेशल बाउंडेशन नहीं है कि हम इसे ब्रेकफास्ट में ही बना सकते हैं। सो ट्राई करिए अमेजिंग एंड सुपर्ब रेसिपी ऑफ एग कीमा एंड ऑल्सो शेयर की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।